राधा जी के बड़े भक्त प्रेमानंद महाराज ने हेमा मालिनी को ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी को जबरदस्त तरीके का झटका लगेगा। संत प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने जब सेलिब्रिटी वाला स्टेटस दिखाने का किया प्रयास, राधा जी के भक्त ने झटके में ही अपनी क्लास में हेमा मालिनी को दे दी सी। संत प्रेमानंद जी महाराज भक्तों को दर्शन देने के साथ आध्यात्मिक प्रवचन भी देते हैं। उनके आश्रम पर भी वीआईपी लोग प्रेमानंद जी के दर्शन करने आते हैं। अब तो सोशल मीडिया पर भी प्रेमानंद जी महाराज काफी वायरल होते हैं। उनके प्रवचन को लोग सोशल मीडिया पर काफी पसंद करते हैं। हाल ही में बीजेपी सांसद और प्रत्याशी हेमा मालिनी ने भी प्रेमानंद महाराज के वृंदावन आश्रम में जाकर उनके दर्शन किए। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, राधा जी के भक्तों में से एक प्रेमानंद महाराज के सामने हेमा मालिनी ने लोगों से मिलने को लेकर अपनी भूमिका को इस तरीके से पेश किया जिसे जब प्रेमानंद महाराज ने सुना तो बिना रुके हेमा मालिनी से ऐसी बात कही कि वो असहज हो गईं। अपने जिस अहंकार को हेमा मालिनी ने प्रेमानंद महाराज के सामने दिखाने की कोशिश की, एक तरह से झटके में प्रेमानंद महाराज जी ने तहस नहस कर दिया। जनता के प्रतिनिधि के तौर पर हेमा मालिनी को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, संत प्रेमानंद महाराज ने आईना दिखा दिया। 6 सेकंड के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रेमानंद महाराज और बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के बीच संवाद हो रहा है। घर में सब आते हैं हमारे, समय नहीं मिलता तो मैं नहीं जा पाती हूँ। हाँ, पर समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं से विजय मिलती है। घर में सब आते हैं हमारे, समय नहीं मिलता तो मैं नहीं जा पाती हूँ। हाँ, पर समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं से विजय मिलती है। सुना आपने, हेमा मालिनी कह रही हैं घर में कई लोग आते हैं लेकिन बाहर समय नहीं मिलता तो मैं नहीं जा पाती हूँ। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि यहाँ पर समय आपको उनको देना पड़ेगा, उन्हीं से आपको विजय मिलती है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि हेमा मालिनी सौम्यता के साथ सेलिब्रिटी वाले अंदाज में आ रही थी लेकिन प्रेमानंद महाराज ने उन्हें एक झटके में लेवल पर ला दिया। एक तरह से बता दिया, जनता को आपकी जरूरत है। जरूरत के तौर पर जनता के पास कई ऑप्शन है लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ जनता ही ऑप्शन है। जनता के बिना आपकी राजनीति अधूरी है। जनता का अगर आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी नहीं है। इसीलिए जनता को आपको ईश्वर के रूप में ट्रीट देना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि ये वीडियो 5 से 6 दिन पुराना है। वहीं 12 अप्रैल की शाम आध्यात्मिक धर्म गुरु संत प्रेमानंद महाराज की अचानक तबियत खराब हो गई। चेस्ट पेन की शिकायत को लेकर उनको वृंदावन के चैरिटेबल अस्पताल लाया गया। अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े डॉक्टर ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान बताया जा रहा है कि ECG और उनका ECO टेस्ट किए गए। करीब 45 मिनट तक स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद जब उनको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं मिली तो फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। पूरी से स्वस्थ होने की जानकारी मिलने पर उनके अनुयायियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर उनसे जुड़ने वाले अनुयायियों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी लाखों फॉलोअर हैं। संत प्रेमानंद महाराज के बारे में बताया जाता है कि उनको किडनी संबंधी समस्या है। संत प्रेमानंद महाराज जब वो अपने निवास स्थान से आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं तो सड़क के दोनों तरफ लोगों की लाइन लगी रहती है। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने वालों में क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, RSS प्रमुख मोहन भागवत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, गायक बी प्राक खली आदि शामिल हैं। बताया जाता है कि प्रेमानंद महाराज ने 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर सन्यास का रास्ता चुना था। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक बताए जाते हैं जिनके प्रवचन वेरीफाइड YouTube चैनल भजन मार्ग पर सुने जा सकते हैं।